रमल मोमना खान से सर में तेल लगवा रही थी जब कोई आंधी तूफान बना घर में दाखिल हुआ था। मोरे पापा कहाँ हैं? मलहा ने मोमना बेगम की कमर को देखते सवाल किया था। वो अपने कमरे में है। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी में क्यों हो? आकर बात करता हूँ मोरे। रमल मलहान की आवाज़ सुनते अपने मुंह पर दुपट्टा कर चुकी थी। मलहान को इस वक्त आग लगी हुई थी। वो जल्दी से अपने बाप की रूम की जाना बड़ा था। पापा क्या है ये सब? हाथ में पकड़ा कार्ड अपने बाप के सामने करके इसने पूछा था। हातम खान को अंदाजा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्या है ये? वो मुस्कुराहट छुपा कर बोले थे। बाबा ये शादी का कार्ड, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? वो भी अपने बेटे के साथ बाबा, मलहान तलख लहजे में बोला था। क्या हो गया यार, तुम्हारी शादी ही तो कर रहा हूँ मैं, कौन सा अपने लाडले सपूत को जेल भेज रहा हूँ जो इतना भड़क रहे हो? इससे अच्छा था कि आप मुझे जेल भेज देते, वो मंजूर है मुझे ना पुत्र। मैंने तो तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है, तुम जेल की बात करते हो। बाबा प्लीज समझने की कोशिश करे, मैं नहीं कर सकता ये शादी। ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है बेटा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे बाप की इंसल्ट हो जाएगी, टेंशन से इनका हार्ट फेल हो जाएगा। बाबा, मलहान ने तड़प कर इन्हें पुकारा था, ठीक है मैं तैयार हूँ ये शादी करने के लिए, लेकिन मैं कभी माफ नहीं करूंगा आपको इसके लिए। कहते वो रूम से बाहर निकल गया था। रमल जो मलहान के रूम में जाते ही उठने लगी थी, मोरे की कसम पर अपनी जगह साकत रह गई, लेकिन मुंह से दुपट्टा नहीं हटाया था। तभी अंदर रूम से आने वाली आवाज़ें रमल को साकत कर गई थी। मलहान का अपने बाप से शादी की हामी भरना, इसके लिए जान निकाल गया था, तभी तो वो झटके से बाहर आया था। मोरे आप देख लें बाबा सही के काम। वह चलता हुआ रमल के करीब चहचे सोफे पर बैठकर अपनी माँ की गोद में सर रख चुका था। रमल जल्दी से पीछे हुई थी, मुंह पर रेशमी दुपट्टा होने की वजह से मलहान इसे देख नहीं पाया था, लेकिन रमल बाखूबी मलहान की आंखों में छाई नमी देख रही थी। इसका दिल बेसाख्ता धड़का था। मोरे समझाइए ना बाबा को, मलहान मर जाएगा मोरे अपनी रमल के बगैर, नहीं जी सकता मैं इसके बगैर। आज एक साल एक हफ्ता आठ घंटे और पता नहीं कितने मिनट हो गए मुझे इससे बिछड़े हुए। माँ मेरी क्या खता थी, मुझे लगा पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन मेरी रमल मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, लेकिन मोरे वो मुझे छोड़ गई, अकेला कर गई। कैसला ने मुझे बहुत कहा कि मैं रमल को बता दूं, वो सब ड्रामा था सब। केस लाला ने कहा था कि मैं तो बस अपना नाम लेकर वहाँ हीरो बन रहा था ताकि रमल के बाबा और मेरी रमल की शादी में कोई रुकावट ना डाले, लेकिन मोरे सब बिगड़ गया। क्या कहा तुमने, केस लाला कहाँ मिले तुम्हे, कैसे बताओ मुझे। मलहान, मोरे लाला काफी बार मलहान बनकर आपसे मिलने आ चुके हैं, बहुत बार। मैं जब जब कहीं आपसे दूर होता था तो लाला ही घर आते थे, आपसे लाड उठवाते थे, लेकिन उन्होंने कभी आपको शक नहीं होने दिया। मोरे आपकी जुदाई में कैस लाला बहुत तड़पे हैं मोरे, फिर मुझसे मिलने के बाद वो अक्सर यहाँ आने लगे। क्या मेरा कैस यहाँ आता रहा है, मुझे बताया क्यों नहीं? माँ सदके जाए। रमल तो ये सुनकर मलहान वो सब हीरो बनने के लिए किया वो साकत थी, मतलब इसने मलहान को दूरी का अजाब चिखाकर अच्छा नहीं किया। तो जल्दी से उठते अपना दुपट्टा मुंह से उतारे भागी थी। मलहान ने जब तक मुड़कर देखा वो गायब हो गई थी। इसके कदकाठ से मलहान को लगा कि वो रमल है, लेकिन बाल, मलहान ने सर झटका था। मोरे आपको कैस लाला से मिलवाता हूँ। हाँ बस बाबा से कहीं मुझे रमल के अलावा किसी से शादी नहीं करनी। कमरे में जाते रमल बेड पर गिरते जारो कदार हुई थी। इसकी गलत फहमी ने दूरियां बढ़ा दी थी। आई एम सो सॉरी हान, आई एम सो सॉरी। अजान की आवाज सुनते इसने जल्दी से दुपट्टा सर पर ओढ़ा था। अजान के हर एक फिक्रे का दिल से जवाब देते वो आंखें बंद कर गई थी। अजान के बाद की दुआ पढ़कर वह दुरूद पाक पढ़कर इसका मामूल था। मामूल के मुताबिक इसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। आठ साल बाद अपना मेहलान का साथ मांगा था। मेहलान बेटा परेशान ना हो, मैं बाबा से बात करती हूँ। आज आप कहीं नहीं जा रहे, अब आप घर में ही रहोगे, कुछ सोचते हुए इन्होंने फैसला किया था। दोनों हवेलियों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। रमल को कैस समझा बुझाकर चुप करवा दिया था। अब अगर रमल सारी जिंदगी नहीं मिलेगी तो क्या मलहान कवारा रहेगा? लेकिन मलहान लाला ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो तो मोहब्बत करते हैं ना आपों से। इसका मतलब है अगर मैं गायब हो जाऊँ तो आप भी दूसरी शादी कर लेंगे। कैस ने शिद्दत से रमल के बाल अपने हाथ में जकड़े थे। खान जान ले लेगा अगर ऐसा सोचा भी तो करना की दूर की बात है। खान जी मैं मजाक मैं भी, मुझसे दूर जाने की बात मत करना नमल, कैस ने शिद्दत से कहा था।
हाँ तो जैसे आप मुझे गोद में बिठाया हुआ है ना, अब तो जैसे बहुत करीब है, नमल ने मुंह बनाते हुए कहा था। कर दूंगा ये शिकवा भी दूर, जिस दिन सर से लेकर पांव तक पूर मेरे लिए सजी समरी दुल्हन बनी इधर बैठी होगी। कैस ने बेड की जानब इशारा करते हुए कहा था। कैस की बात सुनते नमल का दिल जोरों से धड़का था। तुम्हारी अलमारी में एक ड्रेस पड़ा है, जिस दिन खुद को मेरी शिद्दत सहने के काबिल समझोगी इस दिन तैयार हो जाना। इसे साकत छोड़कर कैस बाहर की जानब चला गया था। वरदान के रोने की आवाज सुनकर नमल इसकी जानब बढ़ी थी, इससे कैस की शिकायत करने लगी थी। आपके बाबा बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक इनका ठरक पन नहीं गया। रमल हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जी मोरे। रमल हम सब बड़ों ने तुम्हारी शादी का फैसला किया है। मोरे मैं शादीशुदा हूँ। बस चुप। वो निकाह जिसमें कोई घर का कोई साहिबान शामिल ना हो, हम बड़ों की नजरों में वो निकाह नहीं होता। हमने तुम्हारा एक रिश्ता देखा है, अगर तुम सच में मुझे अपनी माँ मानती हो तो इस शादी से इनकार नहीं करोगी। लेकिन मोरे। लेकिन वो रमल की कोई भी बात सुने बगैर बाहर चली गई थी। इंशाल्लाह ये किस अजाब में फंस गई हूँ मैं। मैं अपने बड़ों की शफकत के साए में रुखसत हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह वो ज़ारोक़तार रोते बिस्तर पर गिरी थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कैस की ख्वाहिश पर मल्हार ने कैस की हवेली से दूल्हा बनकर आना था। ये भी कैस की जिद थी जिस पर सबने हामी भरी थी। मल्हार साकत सा था जैसे इसकी नहीं किसी और की शादी हो। अपने भाई को वह जैसे नजरों से कत्ल करने का इरादा रखता था। बदर अगर तुम आज भी नाबिया को लेकर हवेली ना आए तो बहुत जूते लगने हैं तुम्हें। कैस ने बदर को धमकी देते हुए कहा था। जी लाला बस मैं पहुंच गया। अपने पीछे से आवाज सुनकर कैस पलटा था। कैसी है मेरी बहन अना, ये को देखते। कैस इसकी जाना बड़ा था। लाला ये चूल इंसान मुझे बहुत तंग करता है। अनाबिया ने सुसु करते बदर की शिकायत लगाई थी। बदर कैस के जूतों के डर से जल्दी से भागा था। मेरा बेटा मैं इसके कान खींचूंगा, कैस ने प्यार से नाबिया को पुचकारते समझाया था। लाला कान नहीं खींचते, पूरे का पूरा खींचना है, बहुत तंग करते हैं मुझे। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ी इसे इज्जत भी दे दिया करो। हाँ हाँ लाला समझाए इसे। बदर जो पिलर के पीछे छुपा था मुंह बाहर निकाल कर बोला था। कैस नाबिया को छोड़ते इसकी जाना बड़ा था। मोरे बचाए। बदर चीखता हुआ अंदर को भागा था। शाह की जान था ये लड़का। रमल बेटा मेहंदी लगवा लो, जल्दी से तैयार हो जाओ, रस्म करनी है। रमल ने एक शिकायती नजर इन पर डाली थी लेकिन वो इग्नोर कर गई थी। मुझे नहीं लगवानी मेहंदी। लेकिन नाना करने के बावजूद अमामा बेगम ने ना सिर्फ रमल की मेहंदी लगवाई थी बल्कि इसे तैयार भी किया था। माशाल्लाह चश्मे बद्दूर। चांद और सूरज की जोड़ी होगी तुम दोनों की, अमामा बेगम ने रमल की बिलाई लेते हुए कहा था। देखिए रमल खामोशी से ताकत बैठी थी। मेहंदी की रस्म खुश असलूबी से गुजरी थी। दुनिया के पहले दूल्हा दुल्हन होंगे कि दूल्हा दुल्हन के घर रस्म कर रहा था। दूल्हा दुल्हन के घर समझ गए ना रीडर्स लोगो। बरात वाले दिन अफरा तफी मची। खान जी पकड़िए इसे, ये मुझे तैयार नहीं होने दे रहा, नमल ने अपना बेटा कैस की जान बढ़ाते हुए कहा था। अरे बाबा की जान, मामा को तंग करते हो। करना भी चाहिए, आपके मामा ने कौन सा बाबा को कम तंग किया था। कैस की बात पर नमल ने कैस को घूरा था। ओके अब तैयार हो जाए, मैं इसे मामा के पास छोड़कर आता हूँ। नमल ने काले रंग की साड़ी पर बालों को हल्के से कर्ल डालकर खुला छोड़ रखा था। कैस रूम में दाखिल हुआ था, नमल को देखते साखत रह गया था। आज रमल ने पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी, ये वही लिबास था जो कैस ने इस दिन नमल को पहनाया था। तो क्या नमल कैस की शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। कैस ने बेखुदी के आलम में नमल की जाना बड़ा था। माशाल्लाह आज खान की जान निकालने का इरादा है क्या, जब नमल ने तड़प कर इसके मुंह पर हाथ रखा था। खान जी अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। नमल की बात सुनकर कैस ने इसके माथे पर लब रखे थे। कैसी लग रही हूँ खान जी, नमल के सवाल पर कैस ने बेसाख्ता इसके होंठों पर झुका था। पता लग गया या बताऊं, इसके होंठों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते बोला था। नमल ने शर्मा कर इसके सीने में मुंह दिया था। सुर्ख नारी चेहरे के साथ बोली थी। बहुत बेशरम है, मैंने तो लफ्सी पूछा था, नमल ने शर्माते हुए कहा था, और मैं अमलन बता दिया। कैस ने शरार से एक आंख मींक करते हुए कहा था। कैस ने अलमारी से एक प्यारी सी साड़ी से मैचिंग स्टॉलर निकाल कर नमल के बालों को कैचर करते हजाब बना दिया था। इसके सर पर अपने लब रखते हुए बोला था, अब मुकम्मल है मेरी जान। कैस की नजर नमल की फैली लिपस्टिक पर गई तो इसने टिश्यू से पिंक लिपस्टिक साफ करते हुए नमल के हाथों में रेड लिपस्टिक पकड़ाई और लार से बोला था, बिलाशुबा इन हसीन होठों पर रेड लिपस्टिक ही जान निकालती है। कहते वो बाहर की जाना बढ़ गया था। पीछे कैस की बात का मतलब समझते नमल मुस्कुरा दी थी। कैस की नाराजगी खत्म हो चुकी थी, ये बात इसे सरशार कर गई थी। बिया यार रेडी नहीं हुई अभी,
बिया लाइट पिंक कलर के ड्रेस में पिंकी ही लग रही थी। इसका भरा भरा वजूद इसे मजीद खूबसूरत बना रहा था। माशाल्लाह मेरी जानम आज तो क्यामत ढा रही है। अना बिया जो रोने को तैयार खड़ी थी बदर को देखते रो पड़ी थी। क्या हुआ डार्लिंग? बदर देखो ना वोमिट नहीं रुक रही। अब मैं तैयार होकर बार बार वॉशरूम की जानब भागू? अरे मेरी जान ये देखो आपके लिए टेबलेट लेने गया था। रोना बंद करो वरना काल जहल फैल जाएगा तो भूत नहीं लगोगी। बदर अरे मजाक कर रहा था, ये लो टेबलेट खाओ जल्दी करो वरना मल्हान लाला ने अकेले घोड़ी चढ़ जाना है। मल्हान ब्लैक शेरवानी पहने इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो मेरे भाई, कैस ने बेसाख्ता मल्हान की तारीफ की थी। मल्हान मुस्कुरा भी न सका। कैस ने मल्हान की खामोशी देखते हुए इससे आंखें चुराई थी। चलो बेटा देर हो रही है। बारात आ गई, शोर हर तरफ उठा था। साथ ही रमल के दिल से दर्द भी उठा था। सीने पर हाथ रखते इसने पानी का गिलास पिया था। रेड कलर के टेल गाउन लहंगे में वो आसमान से उतरी कोई हूरी लग रही थी। देखने वाला सख्त रह जाता था। चलो रमल बेटा बारात आ गई। रमल का घूंघट निकालकर मामा बेगम इसका हाथ हमें इस स्टेज की जानब लाई थी जहाँ दूल्हे मियाँ पहले से बर्जमान थे। निकाह आमने सामने होना था। स्टेज के दरमियान में से एक सफेद रंग का पर्दा लटक रहा था। जी मौलवी साहब निकाह शुरू करें। आगा जान की आवाज पर मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया था। रमल मुनव्वर हुसैन शाह आपका निकाह मल्हान खान वल हातम खान से 10 लाख हक में सिक्का राजल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह मंजूर है? रमल को लगा इसके कान बज रहे और दूसरी तरफ बैठे मल्हान को भी लगा किसने दुल्हन का नाम गलत सुना है। रमल की तरफ से खामोशी पर मौलवी साहब ने फिर दोहराया, रमल मुनव्वर हुसैन शाह आपका निकाह मल्हान खान वल हातम खान से 10 लाख हक महर सिक्का राजल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह मंजूर है? इस बार रमल वाकई हैरान थी। रमल जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हुई और अपना घूंघट उलटते वो मर्दों वाली साइड पर गई थी। इसने जल्दी से मल्हान के मुंह पर से एक कुल्ला उतार कर फेंका था। तुम बेशर्म इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ नाटक करने की? मल्हान बेचारा जो खुद कंफ्यूज खड़ा था रमल को सामने देखकर इसे लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। कैस को पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए इसने ना सिर्फ घर वालों को ही इकट्ठा किया था। आगा जान हातम खान सब मल्हान की दुर्गत बनता देख रहे थे। रमल इसके सीने पर मुक्कों की बरसात करते इसे मारने के दर पर थी। तुम मनहूस इंसान, मैं रुखसती के बाद अपने ससुराल आ गया, तुम्हें पूरा साल लगा फिर अपने घर आने में, कहाँ थे तुम? रमल मैं मुझे वो मल्हान से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था जब सबका मुश्तरका कहका गूंजा था। रमल बेटा आज तो मेरे बेटे को माफ कर दो। अच्छा तो ये सब आपकी मिली भक्त थी? हाँ तो क्या रमल ही सबको सरप्राइज कर सकती है, हम लोग नहीं? कैसे मुस्कुराते हुए कहा था। मल्हान तो बस आंखों में फतूर लिए रमल को देख रहा था। तभी मल्हान कैस को गुस्से से घूरता आगे बढ़ा था। देख छोटे, अब अगर कुछ कहा ना तो फिर से रमल को गायब कर दूंगा। लाला इस बार ये नौबत नहीं आएगी, इस दफा मैं खुद रमल को लेकर गायब हो जाऊंगा। पहले दुल्हन से तो पूछ लो कि जाएगी भी कि नहीं। एक आवाज हाल में गुंजी थी, मैं उठा कर ले जाऊंगा। रमल ने सबके सामने मल्हान की सरकत पर सलाम किया था। फिर आगा जान ने अपनी सरप्रस्ती में निकाह दोबारा करवाया था। रमल का हाथ पकड़ते मल्हान ने खुद साइन करवाए थे। सबकी घूरियों को नजरअंदाज करते वो शोखा बना हुआ था। निकाह होते सबको खाने की पड़ गई थी जबकि मल्हान तो रमल को देखे जा रहा था। रमल शायद पहली बार मल्हान की नजरों से पसल हो रही थी। इसके डीप रेड लिपस्टिक से सजे होंठ मल्हान को अपील कर रहे थे। मल्हान ठंडी आह भर कर रह गया था। अभी और इंतजार, उफ। मल्हान ने रमल के कान में सरगोशी की थी, साथ इसके कान की लो पर अपने लव रखे थे। रमल बोल्ड होने के बावजूद सबकी मौजूदगी में कांप गई थी। जानम अभी से कांपना शुरू कर दिया, अभी तो इश्क के और इम्तहान है बाकी। खाने के बाद रुखसती का शोर उठा था। ऐसे सबकी दुआओं के सामने रमल को ससुराल रुखसत किया गया था। घर आते मामा बेगम ने बहुत सी रस्में की थी। मल्हान का बस नहीं चल रहा था कि रमल को उठाकर कमरे में भाग जाए। अब इससे भी सब बेजार सा हो रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट जिससे हफ्ते कलीम पा लिया हो। आखिरकार सबको मल्हान पर रहम आ ही गया था। रमल को कमरे में ले जाने की बात हुई, यहाँ पहली बार हातम खान बोले थे। बेटा जी जब हमारी शादी हुई थी हम अपनी बेगम को उठाकर कमरे में ले गए थे, अब आपकी बारी है, आप भी रमल को ऐसे लेकर जाएंगे। बाप की बात पर मल्हान और रमल दोनों का ही मुंह खुलकर खुला रह गया था, लेकिन फिर चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए इसने किसी गुड़िया की तरह रमल को अपने बाजू में उठाया था। इसके ऐसा करते ही हुटिंग का तूफान बदतमीजी उठा था, लेकिन मल्हान किसी की भी परवाह किए बगैर रमल को लिए कमरे की तरफ बढ़ा था। रमल ने शर्म से अपना चेहरा मल्हान के सीने में छुपा लिया था।
जैसे सब मलहान के कमरे के बाहर पहुंचे, सबने यहाँ रमल को खड़ा करने का बोला, क्योंकि रमल को यहाँ से खुद कमरे में जाना था। मलहान को बिना नेक के कमरे में दाखिले की इजाजत नहीं थी। मलहान की नीचे उतारते रमल जल्दी से कमरे में चली गई थी, मुबादा कोई नया हुक्म न जारी हो जाए। कमरे को देखते रमल की आंखें और मुंह दोनों एक साथ खुले थे। मलहान के कमरे को फूलों और लाइटों से कैस ने अपने हाथों से सजाया था। मलहान का कमरा खूबसूरती की आला मसाल लग रहा था। कमरे में खड़ी रमल अपने धूलेपन का ख्याल किए बगैर ही कमरे को चकटक देख रही थी। हाँ हाँ, पोई खान जी ने करवाया है आप लोगों के लिए, रमल ने मुस्कुराते हुए कहा था। अपो, आपके हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। आज नमल भी पूरा तंग करने के मूड में थी, इसे मौके का भरपूर फायदा उठा रही थी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, रमल जल्दी से बोली थी। अपो इधर बैठ जाए, जीजू के आने तक चेंज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नमल ने रमल को बेड पर बैठाते इसका लहंगा साइड पर फैलाया था। रमल चेहरे पर घूंघट लिए सर झुकाए रवायती धूलों की तरह बैठी हुई थी। जब बाहर से शोर की आवाज पर इसकी दिल की धड़कन साकत हुई थी। मलहान लाला, पूरे 1 लाख चाहिए और 1 लाख मुझे। अनाबिया नमल मलहान को अंदर नहीं आने दे रही थी। ये लो मेरा ATM कार्ड, प्लीज मुझे तरसे हुए को अंदर जाने दो। मलहान ने जल्दी से इसके हाथ से कार्ड थमाया और कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया था। पीछे सबका जानदार कहका गूंजा था। नमल ने कुछ कहना चाहा लेकिन कैस ने अचानक से इसे अपनी बाहों में भरा था। इसे लेकर रूम की जान बढ़ गया था। पीछे बदन ने भी यही अमल दोहराया था। शुक्र है, मलहान ठंडे सांस भरते आगे बढ़ने लगा था, लेकिन वह हैरान सा दरवाजे पर ही रुक गया था, क्योंकि सामने दुल्हन बनी रमल जाए नमाज पर बैठी थी। एक ट्रांस की कैफियत में चलता रमल की एक साइड पर बैठ गया था। रेड और गोल्डन कलर का लहंगा जिस पर पर्ल का काम था, मलहान की आंखों को खैरा कर रहा था। सर पर गोल्डन कलर का हिजाब बनाए, माथे पर टीका लगाए वो पर्दे में एक मुकम्मल दुल्हन लग रही थी। होंठ पर झुकी नथली ने मजीद कयामत बरपा कर दी थी। रमल आंखें बंद किए अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। मलहान ने धीरे से इसकी गोद में सर रखा और आंखें बंद कर लेट गया था। रमल ने बेसाख्ता झुकते मलहान को देखा था, जो रमल की गोद में सर रखे लेटा था। रमल की आंख से आंसू टूटकर मलहान के होंठों पर गिरे थे। मलहान जल्दी से उठकर बैठा और परेशान होता हुआ रमल से पूछने लगा, रमल क्यों रो रही हो? अब तो जुदाई का मौसम टल गया, अब तो हिजर की रात खत्म हो गई, अब तो वसल का मौसम है, फिर भी ये आंसू? ये तो खुशी के आंसू हान, आपको पा लेने के आंसू, रमल ने नम आंखों से मलहान की आंखों में देखते हुए कहा था। रोना बंद करो। मलहान ने रमल का हाथ पकड़ते से बेड पर बैठाया, जायनमाज उठाकर लमारी में रखा था। रमल आंखों में आंसू लिए मलहान को यकटक देख रही थी। मलहान चलता हुआ रमल के करीब आया था। रमल के कदमों के पास नीचे बैठ गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलकर नमल बोली थी, हान आई एम सो सॉरी, मुझे आप पर यकीन करना चाहिए था। कुछ मत बोलना, बस मुझे इन लम्हों को महसूस करने दो, मुझे यकीन दिला लेने दो कि मेरी नमल मेरे पास है, मुझे कोई गिला नहीं तुमसे। आज तुम्हें मुकम्मल रूप में मेरे सामने देखकर मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई रमल। मलहान ने इसके मोमी लबों पर उंगली रखते इसे मजीद कुछ कहने से रोका था। फिर मलहान ने अपनी पॉकेट से एक पायल निकालकर रमल के पांव की जीनत बनाई थी। फिर बाजू में कंगन पहनाते इन पर भी अपने लब रखे थे। रमल तो बस मुस्कुराते हुए मलहान को देख रही थी। मलहान ने धीरे से रमल के हिजाब की पिंस निकाल ली थी। मलहान की हाथों की हरकत पर रमल का दिल जोरों से धड़का था। आज कुछ मत बोलना, आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, मुझे इश्क से तुम्हारी इन आंखों से, मलहान ने रमल की आंखों पर अपने होंठ रखते कहा था। मलहान की गर्म सांसें रमल को बेखुद कर रही थी। हिजाब उतारते रमल के जूड़े में बंधे बाल इसकी पूछ पर बिखर गए थे। मलहान तो बालों की लंबाई खूबसूरती देखकर हैरान था। तभी हैरत से बोला, रमल विक तो बहुत अच्छी है। रमल तो जज्बात में बहती पता नहीं कहाँ पहुंची हुई थी। मलहान की आवाज पर होश में आई, हाँ ये मेरी असली बाल है, वो झटके से उठी थी। मलहान बेचारा हैरत से अपने सामने खड़ी रमल को देख रहा था, जो खुले बालों में बिल्कुल नमल लग रही थी। मैं मलहान कुछ बोला ही नहीं गया था, क्या हुआ हान? रमल मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सी आप हो, आप तो आप बिल्कुल भाभी जैसी हो गई हो। मलहान की बात सुनकर रमल का कहका बेसाख्ता था। हान अब हमेशा इतने मासूम रहेंगे, रमल कहते ड्रेसिंग के सामने अपनी ज्वेलरी उतारने लगी थी। लेकिन इससे पहले मलहान इसकी जानब बढ़ता इसे गोद में उठा चुका था। रमल की आंखों में देखते हुए इसे बेड पर ले आया था। मलहान जितना भी मासूम था लेकिन इतना मासूम हरगिज ना था कि अपनी बीवी से दूर रहे, कहते साथ वो रमल पर झुका था। रमल के सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठ इसे पागल कर रहे थे। इसे अपना हल्क खुश्क होता महसूस हो रहा था। इसका दिल इन गुलाब पंखड़ियों को छूने को था।
इससे पहले कि वो बात पर अमल करता, रमल की हल्की सी आवाज गूंजी थी, हान प्लीज लाइट। रमल ने धड़कते दिल को संभालते हुए कहा था। मिलहान ने लाइट ऑफ करते स्टार लैंप रोशन कर दिया था। अपने दिल की आवाज पर लब्बैक कहते रमल के होंठों पर शिद्दत से झुका था। कमरे में फैली मायने खेज सी खामोशी इन दोनों की चलती सांसें दोनों के मुकम्मल होने की गवाही दे रही थी। कैद जैसे रूम में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। रूम की लाइट ऑफ थी, पूरे रूम में छोटे छोटे दिए जल रहे थे। इनकी इर्द गिर्द गुलाब के फूलों की पत्तियां खौफनाक सा माहौल बना रही थी। बेड के दरमियान नमल को घूंघट ओढ़े बैठा देख कैस की धड़कने बढ़ी थी। वो तो एक हसीन लम्हा आ चुका था, इसका कैस को बेसब्री से इंतजार था। धीरे से चलता हुआ नमल के नजदीक बेड पर बैठा था। शोक होते बोला था, मुझे नहीं पता था कि आज इतना अच्छा सरप्राइज मिलेगा, वरना कब का कमरे में आ जाता। कैसे नमल का घूंघट उठाते सरगोशी में कहा था, किसी की ख्वाहिश थी मुझे इस रूप में देखने की, फिर कैसे न पूरी करती। नमल ने अपने खान का मान रखते हुए कहा था, सदके जाऊं बहुत शुक्रिया जनाब। कैस मजीद शौक हुआ था, मेरी रूनुमाई का तोहफा, नमल ने कैस से कहा था, पूरे का पूरा खान आपका मेरी जान, अभी भी तोहफा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये खान मेरा है। नमल ने आगे बढ़ते कैस के माथे पर लब रखे थे। इजाजत है, कैस ने धीरे से नमल की तरफ झुकते इजाजत ली थी। नमल ने मुस्कुराते इसके सीने में चेहरा छुपाया था। कैसे इसे सीधा करते अपने लब इसके माथे पर रखे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे के हर नक्श को छूते लब नमल के लबों पर रखे। आज कैस के लम्स में शिद्दत नहीं बल्कि प्यार ही प्यार था। दूर चांद इन सबके मिलन पर दिल से मुस्कुराया था। तो जी दोस्तों, हमारा खूबसूरत नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द एक न्यू नावल के साथ।